ये देखो भाई, सीन देखो, एक नंबर का भाई साहब। अरे 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 अरे, ग्लव्स ही उठ रहे भाई, हवा चढ़ रही है गाइस बहुत तेज यहाँ पर। तो अभी मैं कन्नड़ घाट में हूँ, कन्नड़ घाट। तो ये कन्नड़ जो होता है, कन्नड़ वो यहीं पास में है क्या? केले है भाई। अब गाइस मेरे को एक चीज दिखी है नीचे लेफ्ट में, मतलब खाई में, आपको दिखो। पहले मेरे को लगा ये नदी सी है, लेकिन ध्यान से देखा अभी अभी दिखा है मेरे को। ये देखो, अब देखो ये कितना सारा फैला हुआ है, जो नीला नीला, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं सारे। ये देखो बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा रखे हैं पूरी, भाई साहब आगे तक पूरा वहां तक है इस एरिया में। तो ये पता नहीं, शायद सरकार को, राजगढ़ में तो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, आग सेक रहे हैं। सुबह सुबह का 8 बजे का टाइम है और अभी धूप निकलने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैं अभी निकलूँगा यहाँ से। ओके तो गाइस, अभी मैं सामान पैक कर दिया। मैं रात को यहाँ रुका था, रात को 2 बजे महाराष्ट्र में ही था मैं, मतलब एक कैफे वगैरह बन रहा था ये, तो यहाँ पर मैं कोने में देखा, साफ थोड़ा साफ सा था एरिया, तो यहाँ पर रुक गया था मैं। अपनी वो चद्दर वगैरह ले रखी थी, तो चद्दर बिछा के अपना, और बस एक दो दो तीन घंटे ही सोया था मैं। फिर मैं उठ गया था 6 बजे, 2 बजे यहाँ आया, उसके बाद मैं 6 बजे तक सोया, फिर अभी निकल रहा हूँ। 7 बज रहे अभी, 6 बजे उठ गया था, पैक वैक करने लग गया था। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। तो गाइस सुबह के बज रहे 7 और अभी देखो 1338 किलोमीटर हो रहा है, मतलब कि मैं दिल्ली से अपने घर से 1338 किलोमीटर। ये देखो पहाड़ महाराष्ट्र के। मैं यार रात को मतलब ड्राइव करना सही नहीं है, सही नहीं समझता, क्योंकि साला आंखों पे सामने वाली गाड़ी की वो पड़ती है रोशनी, सी रोशनी पड़ती है, इसलिए। चलो भाई चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चल भाई। सो गाइस अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, देखो सूरज आ गया सामने, 8 बज रहे। सो गाइस 835 का पेट्रोल टंकी फुल हुई है यहाँ पे। महंगा क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का? 107। अच्छा देखो गाइस सीन, तो गाइस ये देखो मैं अभी महाराष्ट्र में ही हूँ, मतलब ये देखो इतना डिस्टेंस रह रहा है, 1184 किलोमीटर अभी रह रहे हैं मतलब। तो आज मतलब आज जैसे कि 4 तारीख हो गई है, तो रात को सुबह पहुँचूंगा अब अगले दिन की 5 तारीख की सुबह। आज देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे। केले वाला वगैरह बैठे हैं। तो ये महाराष्ट्र के पहाड़ है, ये देखो भाई सीन देखो, एक नंबर का भाई साहब। केले वेले खाएंगे यहाँ बैठेंगे बढ़िया, थोड़ा फिर चलेंगे। अरे 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 अरे, ग्लव्स ही उठ रहे भाई, हवा चढ़ रही है गाइस बहुत तेज यहाँ पर। तो अभी मैं कन्नड़ घाट में हूँ, कन्नड़ घाट। तो ये कन्नड़ जो होता है, कन्नड़ वो यहीं पास में है, वो जैसे कि कन्नड़ एक जगह भी तो फेमस, कोई यही है वो कन्नड़, आगे भी एक लैंग्वेज भी तो बोलते कन्नड़ लैंग्वेज। अरे ये
ये वो नहीं है क्या? नहीं, वो कन्नड़ अलग है। हाँ वो किधर? महाराष्ट्र का कन्नड़ है। अच्छा वो तेलुगु का कन्नड़ है। अच्छा वो तेलुगु, वही मैं सोच रहा था यार ये कन्नड़ कन्नड़ यहाँ कैसे आ गया। तो अभी केले लिए है, केले खाते हैं थोड़े फिर चलेंगे गाइस। या मजे ले रहे हैं हम। ओए क्या केले है भाई, एक नंबर का मीठे केले। पीछे के पहाड़ देखो, मेरे महाराष्ट्र के पहाड़। वो देखो नीचे, ये कचरा भी है यहाँ पर दूर दूर तक। वो देखो तालाब है वहाँ, और वहाँ भी पहाड़ है। इसको एक घाट बोलते हैं, ये है कन्नड़ घाट। कन्नड़ एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में है। ये गाड़ियां आ रही है भाई साहब। तो गाइस अमरूद खा रहा हूँ। अमरूद अमरूद खा लो अमरूद। गाइस लंगूर आ गए, वो देखो पेड़ पे बैठा वहां पर। उधर भी लंगूर है एक, एक वो देखो वहां पर है उस पेड़ पे। वो देखो एक ऊपर है। ओए ओए चढ़ गया ऊपर। बस मेरा कैमरा वैमरा कुछ ना ले जा। तो गाइस चलते यार, मैंने ले लिया अमरूद वगैरह, जो केले वेले खा लिए। मैं चलते अब आगे, सीन्स में आपको दिखाता ही रहूँगा। ये देखो खाई है नीचे भाई, ये देखो। ओ भाई क्या मस्त पहाड़ है भाई, महाराष्ट्र के पहाड़। सावधान खोल दरी भाई, ये ना मराठी लैंग्वेज में लिखा होता है यहाँ पे, जितने भी ये लिखा है ना। ये देखो पहाड़ सामने कितना बड़ा है। कन्नड़ घाट पे घूम रहा हूँ मैं, कन्नड़ घाट पे। कैक्टस लगे हुए हैं, ये देखो। ये महाराष्ट्र की बस है भाई, महाराष्ट्र की बेकार बस है। अब गाइस मेरे को एक चीज दिखी है नीचे लेफ्ट में, मतलब खाई में। आपको दिखो, पहले मेरे को लगा नदी सी है, लेकिन ध्यान से देखा अभी अभी दिखा है मेरे को। रुको रुको आगे दिखाता हूँ। ये देखो ये दिख रही है, ये नीला नीला लग जो बहुत सारा लगा हुआ है। एक मिनट रुकता हूँ। ये देखो अब देखो ये कितना सारा फैला हुआ है जो नीला नीला। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं सारे, ये देखो बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा रखे पूरी भाई साहब, आगे तक पूरा वहां तक है इस एरिया में। तो ये पता नहीं शायद सरकार गवर्नमेंट के उससे होगा या फिर किससे, बिजली बन रही है ये सोलर से। बहुत ज्यादा उसमें बना रखा है इन्होंने तो, मतलब कि
आगे तक है यार ये तो, वहां तक यू मान लो 5-9-10 किले जो होते हैं ना खेत, 9-10 किले उनमें फैला हुआ ये। ये देखो गाइस 3 चक्करों, चारों तरफ महाराष्ट्र के पहाड़ ही पहाड़। वहां पर देखो मंदिर है ऊपर पहाड़ के, वहां पर मंदिर है। ये ट्रेन की पटरी है साइड में। तो गाइस मैं यहाँ सो रहा था, यहाँ पर एक ढाबा है, एक ढाबे पे मैंने दोपहर को 1-1.30 बजे आया था मैं यहाँ, और ये पलंग मिल गया था मेरे को, बस कोई चार्ज नहीं लिया, फ्री में, मतलब सही है यार। बहुत नींद भी आ रही थी मेरे को इसलिए यहाँ रुक गया था, फिर मैं फ्री था मतलब। चलो अभी निकलता हूँ यार यहाँ से। तो भाई ये ढाबा है, ये देखो अभी 1080 किलोमीटर दिखा रहा है 20 घंटे का यहाँ से। चलो भाई निकलता हूँ अब जल्दी से, सामान मैंने पैक करके बाइक में रखा लिया था, पूरी रात ड्राइविंग करनी पड़ेगी तब जल्दी। चलो भाई चलते हैं जल्दी से। तो गाइस तापी रिवर है ये देख रहे हो, तापी रिवर है। अभी शिरपुर बाईपास रोड पे हूँ मैं, शिरपुर बाईपास रोड पे। अभी महाराष्ट्र ही चल रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश चालू होगा थोड़ी देर में। गाइस 6 बजे का सीन देखो, पहाड़ देखो, पहाड़ आ गए, घाट आ गया, घाट सामने पहाड़। ये देखो भाई पहाड़, चट्टान ही चट्टान। तो लो भाई टोल आ गया है, वैसे तो बहुत सारे टोल जा चुके हैं, यूं सोच लो कि 8-9 तो टोल क्रॉस कर ही लिए होंगे मैंने अभी तक गोवा से। अभी भी 1042 रह रहे हैं, उधर से जाना पड़ेगा। चलो 1042 किलोमीटर है अभी भी। वो कह रहे उधर से जाओ भाई, साला पिछली बार भी यहीं से ऐसी हुआ था, मैं जब आ रहा था ना वापस, ये रोड पता नहीं हुई कैसा ऐसा। Thank you.
ट्रकों के लिए एक ट्रक। तो गाइस ये वाला ट्रक देखो कैसा है, इसके साइड के वो हटा रखे पैनल से, इसमें ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। सही है यार ये देखो आगे भी जा रहा है। इसमें ना हाइड्रोलिक वो लगा होता है लिफ्ट जैसा, वो अंदर जो है जैसे मान लो सामान उतार रहा है आपको, तो पीछे का गेट खोल के ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है वो सब। ये भाई बाहर के अमेरिका वगैरह में वहाँ पे हुई थी स्टार्टिंग, अब यहाँ पर भी मतलब ये वाले ट्रक तो वैसे बहुत पहले से है यहाँ पर, लेकिन ये खुले ऐसे पहली बार देख रहा हूँ मैं, जो साइड से ऐसे सामान भी दिख रहा अंदर। तो गाइस अभी 1000 की लाइन में आ चुका हूँ मैं, मतलब 999 हो गया, अब 999 किलोमीटर रह रहे हैं। तो अभी मैं मध्य प्रदेश में चल रहा हूँ, सारी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह मध्य प्रदेश नंबर के सारी, 18 घंटे दिखा रहा है इसमें दिल्ली चक्का। तो भाई सुबह मैं दोपहर को पहुँचूँगा कल, यानी कि 5 तारीख की दोपहर को पहुँचूँगा मैं अपने घर। देखते हैं भाई, थक जाऊँगा तो कहीं रेस्ट करना पड़ेगा, सोच रहा हूँ अभी सीधा घर ही जाऊँ, दिल्ली में ही रेस्ट करूँगा, देखता हूँ देखते हैं भाई क्या होता है। तो गाइस एक और आ गया टोल, खलघाट सेंधवा, एक और टोल क्रॉस कर रहे हम। मैं टोल तो बहुत क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन अभी दिखाया ये है तो देखो। ओ भाई साहब ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ, अबे भाई ये कैसा रास्ता आ गया, साला ये कहाँ है। ये टोल है गाइस, टोल यहाँ पे ट्रक ही ट्रक खड़े हुए, ये ट्रकों का है, ट्रकों के लिए है सिर्फ, गाड़ियों के लिए नहीं है। गाइस ये देखो ट्रक जा रहे हैं भाई अपना, नए नवेले ट्रक, क्या मस्त लग रहे हैं भाई ट्रेन ले, सर सर भारत। एक और जा रहा है आगे भारत बैन, भारत। तो गाइस अभी 7:30 हो रहे हैं, 7:30, तो मेरे को खाना खाने के लिए कहीं रुकना है अभी, क्योंकि मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ खास खाया नहीं वहाँ पे महाराष्ट्र में, बस वो पहाड़ पे केले वेले खाए थे सुबह, उसके बाद अब थोड़ा बढ़िया सा ढाबा देख रहा हूँ, ये आ गया कोई, देखता हूँ यार यहीं पे खा लेता हूँ, कोई आगे खाना पड़ेगा यार, आगे वाले कोई बढ़िया सा ढाबा होगा ना साला उस पर खाता। एक और आया है। तो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है, निकल लिया हूँ मैं अब यहाँ से, अभी 982 किलोमीटर दिखा रहा है, अब साला खींच देता हूँ थोड़ा, 600 की लाइन में जब होगा ना तब रुकूँगा अब सीधा, अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे अभी। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर रात को स्टे करा था, रात के 2 बजे तो भाई नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने स्टे कर लिया। तो आज तारीख है 6/5, आज 5 जनवरी है, आज सुबह हो गई है मतलब 8 तारीख। तो एक रेस्टोरेंट टाइप का वो ढाबा बोल लो, तो यहाँ पे मैं सो गया था, मैं एक्चुअली यहाँ पे वो देख रहा था बाइक पे, जब मैं चला रहा था बाइक तो मैं आग वगैरह ढूंढ रहा था, तो मेरे को यहाँ दिख गई थी, तो मैं रात को यहीं रुक गया था, तो यहाँ पे लोग वगैरह बैठे हुए हैं, चलो मिलते हैं अंदर उन लोगों से। हाँ चल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं रात को रुका था आग सेकने के लिए,
तो यहाँ ये ट्रक वगैरह जिनके होते तो यहाँ रुकते हैं ये लोग। और अपना ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट का नाम है होटल श्री राम लखन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो जिसको आना हो भाई यहाँ रुक जाना। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा, कौन सी कौन सा ही राजगढ़ में। तो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, आग सेक रहे हैं। सुबह सुबह का 8 बजे का टाइम है और अभी धूप निकलने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैं अभी निकलूँगा यहाँ से। ओके, आप तो लेट हो गए। ये उस्ताद है यहाँ का, जो मतलब मैं आया था तो इस टाइम यही थे यहाँ पर, मतलब मौजूद। आग सेक रहे थे, चाय वगैरह खाना वगैरह खिलाते हैं, चाय वगैरह। बढ़िया, जैसा भी खाना खाना हो, शुद्ध भोजनालय यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये पड़ता है अपने ब्यावरा के आगे, पचोर टोल के आगे, ब्यावरा। और हम है देवास के आगे। ये देवास के आगे नहीं, इधर से आओ, सारंगपुर और पचोर के बीच बोल दो। सारंगपुर पचोर के बीच में। अच्छा अच्छा। और हमारा नाम है सुनील पाल। सुनील पाल चलाते हैं गाड़ी। अरे सुनील पाल तो वो था कलाकार, बस दूसरे हमें कलाकार। सुनील पाल, अरे भाई वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन था। हाँ, क्या वो इस पहले तो इसका बताओ डेस्टिनेशन कहाँ पर पड़ता है ये होटल? राजगढ़। और राजगढ़ में है, सारंगपुर पचोर के बीच में। अच्छा, सारंगपुर और पचोर के बीच में ये श्री राम लखन है फैमिली रेस्टोरेंट। ठीक है, अब आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश में जैसे मैं हूँ तो मध्य प्रदेश के खास कौन सी जगह जहाँ पे लोगों को घूमना चाहिए? एक तो सांची। सांची में क्या है? सांची में वो जो पुराने वो ताबूत रहते हैं ना, माउंट टाबू जैसे, घूमने की अच्छी जगह है। और एक सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, उसमें क्या होता है घने जंगल में? जैसे पक्षी है, जानवर है, सारे टोटल चीजें मिल जाएगी जंगल में घूमने के लिए। अच्छा, बागेश्वर धाम है। बागेश्वर धाम है और वहाँ से जाके वो जो बोलते हैं अपने पन्ना की खदान, हीरा पन्ना। हीरा और पन्ना वो एक जगह है यहाँ पर, पन्ना। हाँ, पन्ना जहाँ हीरा मिलता है, जहाँ हीरा मिलता है। सीधे सीधे चले जाओ, देवास में नोट बनते हैं पैसे, देवास के। हाँ, यहीं पे बनते हैं पूरे इंडिया के लिए पैसे। अच्छा, सतना पन्ना भोपाल में राजा भोज उधर। हाँ, भोपाल में वो तालाब है अपना, तालाब। हाँ, कौन सा तालाब? बड़ा तालाब, सबसे बड़ा तालाब। कौन सा तालाब, नाम क्या? राजा भोज। राजा भोज तालाब, राजा भोज ने बनवाया था उसको। अच्छा, राजा भोज एक राजा का नाम था। अच्छा अच्छा, भोज नाम था उसका, राजा राजा भोज। भोज, ठीक है ठीक। ऐसे तुम आगे जाओगे गांव बहुत सी जगह। और यहाँ पर किले वगैरह नहीं है? किले यहाँ पे आपको मिलेंगे, झांसी में मिल जाएगा, वहाँ से चल के ग्वालियर में मिल जाएगा। ग्वालियर में? हाँ, ग्वालियर झांसी। और एक वो आप बागेश्वर धाम जाओगे तो वो महारानी थी ना एक, और उनकी एक माउंट आबू। कौन सा इधर है? सांची। हाँ, कौन है ना सांची में ही हो वो शायद साउथ इंडिया का मंदिर है। वो तो खजुराहो में, खजुराहो में। हाँ, खजुराहो, खजुराहो में। वो तो खजुराहो में क्या है वहाँ पर? वहाँ पे वो ये पुराने जमाने में वो सेक्ट कैसे करते। अच्छा, वो जो चीज है वो कई मंदिरों में बनाई गई है। नहीं नहीं, यहाँ पे स्पेशल है। हाँ, स्पेशल तरीके से बनाया है। साउथ इंडिया में भी ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पर ये चीज है? नहीं, इधर भी बहुत बड़े बड़े मंदिर है। अयोध्या का राम मंदिर यूपी में है, जिसका उद्घाटन होने वाला है अभी। अयोध्या का राम मंदिर यूपी में है, जिसका उद्घाटन 22 तारीख को होने वाला है। 22 जनवरी को मतलब बन जाएगा उस वक्त, उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन वो तो स्थापना, राम जी की स्थापना। अच्छा अच्छा, तो ये है गाइस रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं ये इस पलंग पे सो रहा था। मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत 2-3 घंटे सोया। ये इसकी
फ्रिज रखा है, यहाँ पे चेयर वगैरह है, ये किचन है इनकी, कूलर वगैरह है, ये इनका यहाँ खाना बनता है, यहाँ पर ये भट्टी है और यहाँ पर ये खाना वगैरह बनाते हैं। चलो तो ये कुछ है इनका रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा पीछे पार्किंग क्या नहीं, बैठने की। अच्छा बैठने का, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। तो भाई ये रूम है इनका यहाँ पर। तो यार ये रूम इसका कितना पैसा लेते हो आप किराया? अरे सस्ता ही 200-300 रुपये। भाई तुम रात को पीछे ये खेत है, खेत ही खेत, भैंस का कहाँ है भैंस? ठीक है ठीक है इतना। हाँ हाँ ये भैंस है तुम्हारी? हाँ नीचे भैंस बंदी है ना। तो इस भैंस का कौन कर्मचारी है ना? कर्मचारी है तो इसका फिर आप दूध वगैरह निकालते हैं? हाँ, शाम को। और फिर दूध कहाँ पर काम आता है? होटल में। होटल होटल में चाय बनाते हैं। अच्छा प्योर दूध की चाय, प्योर दूध की चाय, भैंस की दूध की चाय। और ये पीछे हमारी खेती, भैंस देख रही है हमें। भाई ये क्या लेके आ गए लड़का? ये खेती है पीछे, ये खेती है, ये पपीता खाने के लिए, पपीते का पेड़, उसमें पपीता। बताओ वो रख पपीता अभी तो कच्चे हो रखे? कच्चे हैं। चलिए चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सुबह के 9:30 बज रहे, सामान लोड हो गया है। चलो ये चलते हैं। अभी 9 बज रहे हैं, 9:16 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला और ओस पड़ी हुई है। ओस पड़ रही है मेरे हेलमेट के वाइजर पे भी, जो है ओस की कण, ओस की बूंदे जो है वो जमा हो रही है, पानी पानी मतलब धीरे धीरे आ रहा है, पानी बन रहा है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। और अभी 697 किलोमीटर रह रहा है, 697। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ, धीरे धीरे करके चलते हैं भाई। 60 की स्पीड पे चल दूंगा मैं अभी, 60 की स्पीड पे चलता रहूँगा। 13 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप में मेरे घर तक, देखते भाई कब तक पहुँचेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज मैं रात तक पहुँच जाऊँ। 3 तारीख को निकला था मैं गोवा से और आज देख रहा हूँ 5 तारीख हो गई है। वैसे मैं आराम से ही सोच ही रहा था पहले ही कि आराम से जाऊँगा, रुक रुक के चल रहा हूँ मैं आराम से, कोई होटल मिल रहा था वहाँ पर रेस्ट करते हुए आराम आराम से जा रहा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, ना ही मेरे को कहीं ऑफिस वगैरह जाना, कोई ऐसा ऑफिस तो मैंने इसलिए कोई जॉब वगैरह नहीं करता हूँ, ताकि जिंदगी जो है बिल्कुल फ्री माइंड होकर निकल रहे। तो गाइस ये मैं मध्य प्रदेश से जा रहा था, तो यहाँ पे जो साइड में लेफ्ट साइड में दुकानें बनी हुई थी गैर कानूनी, उनको हटाया जा रहा है, पीछे पुलिस फोर्स आ रही है। ये देखो पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर हटा रहे हैं, पीछे भी आ रही है पुलिस फोर्स, तो वो मेरे को भी चलना पड़ेगा। चलो चलता हूँ गाइस, ये देखो यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है
सब अपनी दुकानें हटा रहे मनी ट्रांसफर। ये देखो सारी ये अपनी दुकानें जो है गैर कानूनी तौर पे जो लगी हुई थी यहाँ पर वो हटवाई जा रही है। चलो भाई हम चलते आगे। गाइस ग्वालियर 290 किलोमीटर दूर है, पहाड़ देखो यहाँ एमपी के, एंजॉय करो सीन। From across the way, and I think about that moment every day. तो गाइज ये होटल था यार। मैं तो अभी गाइज मैंने इस बाइक में ना तीन चौथी बार पेट्रोल डलवा दिया, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा वो। गोवा से अभी तक चौथी बार पेट्रोल टंकी फुल करवा ली मैंने, ठीक है। और अभी दोपहर के 3 बज रहे, 3 साला लग भी नहीं रहा, 3 बज रहे। देखो कैसा मौसम है, मुंह ढक रखा मैंने, हेलमेट पहन लेता हूँ। और अभी भी 450 किलोमीटर रह रहा है दिल्ली यहाँ से, अभी मध्य प्रदेश में ही हूँ मैं। चलते फिर यार वहीं, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाया तो कर लूँगा, नहीं तो सीधा वहीं मिलेंगे अब।